जब हम छोटे बच्चे थे, 1-2 साल के, जब हमने चलना नहीं सीखा था, तब हम क्या क्या करते थे, तब हम चलने की कोशिश क्या करते थे, और हम पता नहीं कितनी बार गिरते थे, दिन में 10 बार 20 बार और 11 बार गिरे थे, तब कहीं जाकर के हमने चलना सीखा था। एक बार गिर जाते थे, फिर से कोशिश करने लग जाते थे, फिर से गिर जाते थे, फिर से उठ करके चलने लग जाते थे, लेकिन कभी रुकते नहीं थे, कभी हार नहीं मानते थे। पिछली बार जब गिरते थे तो उस चीज़ को भूल जाते थे और फिर से लग जाते थे चलने की कोशिश में, लेकिन जैसे ही बड़े होते हैं तो ये चीज़ तो भूल जाते हैं, और जब पिछली बार गिरे थे तो वही चीज़ याद आती है कि नहीं, लास्ट बार तो गिर गए थे, अब की बार नहीं गिरेंगे। कहने का मतलब ये है कि कुछ ट्राई करने से पहले जब पिछली बार फेल हुए थे, बस उसी का डर लगा रहता है दिमाग में, वही चीज़ पहले आती है कि पिछली बार फेल हो गए थे, तो घबराने लगते हैं, सफलता के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ना कि सक्सेस के बारे में। अब जब सोच ही फेलियर के बारे में रहे हो तो भगवान आपको सक्सेस कहाँ से दिलाएगा, वो भी आपको फेल ही करेगा। सक्सेस के बारे में सोचोगे तो सक्सेस मिलेगी, सिंपल सा रूल है। तो एक बार क्या होता है कि एक कुत्ता रहता है, गाँव का कुत्ता होता है, लेकिन बेचारा जंगल में पहुँच जाता है। जंगल में पहुँचने के बाद वहाँ पर उसे शेर दिखाई देता है। शेर देख करके अब मैं क्या करूँ, शेर तो मुझे खा जाएगा, लेकिन घबराता नहीं है, दिमाग लगाता है और वहीं पे बैठ जाता है। वहाँ पे एक हड्डियों का ढेर होता है और उसके ऊपर जाकर के बैठ जाता है। पीछे से शेर आता है तो शेर को सुनाने के लिए बोलता है कि वाह, आज तो शेर की हड्डियाँ खा करके मज़ा ही आ गया, लेकिन पेट तो मेरा अभी तक भी नहीं भरा, अगर एक शेर और मिल जाए ना तब तो बस एकदम मज़ा ही आ जाए। शेर ने सुन ली ये बात, एकदम रफू चक्कर हो गया, भाग गया वहाँ। ये कुत्ते की हिम्मत थी कि उसने उसका सामना किया, उस चीज़ से बिल्कुल भी नहीं घबराया। अब जब शेर भाग करके वहाँ से थोड़ी दूर आगे पहुँचता है तो उसे मिलता है बंदर। बंदर उसे देख करके बोलता है कि महाराज, आपको तो बेवकूफ़ बनाया गया है, उस कुत्ते से डर करके यहाँ पर भाग आए आप वापस। वो तो बेचारा उल्लू बना रहा था अपनी खुद की जान बचाने के लिए, और तुम ऐसे ही दुम दबा करके भाग गए। शेर तुम हो और कुत्ता वो है, तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है, डरने की ज़रूरत उसे थी। बोलता चल अभी उस कुत्ते को मजा सिखाता हूँ, मुझे डराने की उसकी हिम्मत कैसे हुई। बंदर को साथ लेकर के जाता है, कुत्ता इस बार भी नहीं घबराता, देख लेता है बंदर आ रहा है, साथ में शेर आ रहा है, इस बार नहीं छोड़ेंगे। दिमाग का इस्तेमाल करता है और चालाकी से बोलता है, अरे वाह बंदर भैया, आने में बड़ी देर कर दी, तुमने तो बोला था कि शेर मिल गया है, बस अभी लेकर के आता हूँ, इतनी देर कहाँ लगा दी। शेर बेचारा बंदर के मुंह की तरफ देखता है, बंदर शेर के मुंह की तरफ देखता है, तो जो शेर होता है वो फिर से वहाँ से भाग जाता है। तो ये थी कहानी। कहानी की जो सीख है वो ये है कि डर जो होता है वो बाहर नहीं होता, हमारे मन के अंदर होता है, चाहे वो फेलियर का डर हो या फिर किसी भी चीज़ का डर हो, तो उसको बाहर निकालना है और फेंक देना है, क्योंकि जब तक डरते रहोगे ना आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो डरने से अच्छा है कि ट्राई कर लो, ट्राई करने के बाद जब गिर जाओगे तब दुख मना लेना, अभी बैठ करके दुख मत मनाओ। तो सक्सेस के बारे में सोचना है हमेशा, जैसी चीज़ें आप सोचते हैं वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। सक्सेस के बारे में सोचोगे तो हर तरफ से सक्सेस ही तो आएगी ना, और मेहनत तो करनी ही है, मेहनत के बिना तो फिर ऐसे बैठे बैठे तो फिर सभी सक्सेस ही हो जाते। मेहनत करो और पॉजिटिव सोचो तो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ज़िंदगी की जितनी खुशियां चाहते हो हर चीज़ लाइफ में मिलेगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अपनी जो मेहनत है उसके ऊपर विश्वास रखिए, और कभी भी घबराइए मत, हमेशा सक्सेस के बारे में सोचिए, ना कि पीछे के फेलियर के बारे में। जो आगे आने वाला है उसके लिए हमेशा एक्साइटेड रहिए, और जितना बढ़िया कर सकते हो लाइफ में हमेशा ट्राई करो कि उससे भी ज़्यादा बढ़िया कर सको। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। टाटा बाय बाय।